जय हिंद फ्रेंड्स, आज जो हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट आस्क्ड प्रपोजिशन क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि ये 10 जो क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे आज प्रपोजिशन का, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज का ये क्वेश्चन, और इस क्लास को आज 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को बढ़िया सा चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं और आपका लेवल क्या रहा है और आपका लेवल अभी क्या है। 10 क्वेश्चन में से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं आज, क्योंकि इतना क्वेश्चन कर पाएंगे तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आ चलिए मेरे साथ लगा लीजिए इस प्रपोजिशन के क्वेश्चन को, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या है कि आई एम होम, तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रपोजिशन फिल करने वाला है देख लीजिए, और जो आपका प्रपोजिशन है यहाँ पर फिल करवा के और इसको रीड करके देख लीजिए कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो आर्टिकल फिल करेंगे उस आर्टिकल को फिल करके एक बार सेंटेंस को दोबारा पढ़ के मीनिंग निकाल कर देख लीजिएगा कि आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रपोजिशन लगेगा यहाँ लग जाएगा एट लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आना चाहिए। अब सी पर यहाँ को क्यों लेगा, देखिए यहाँ पर इन क्यों नहीं लेगा, पहले ये देख लीजिए यहाँ पर इन क्यों नहीं लेगा, तो इनका मतलब क्या होता है, एक एरिया के अंदर, एक सर्कल के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये कहा है कि आई एम, अभी मैं घर में हूँ, यहाँ में आ रहा है, लेकिन आप लोग इनका तब भी यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनका नहीं है। एट यहाँ पर क्या दिखता है, एट यहाँ इसे क्या मिलता है, यहाँ पर एक पोजिशन मिलता है, उसका मिलता है, उसका पोजिशन मिलता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसका एक प्लेस का यहाँ पर है, तो यहाँ एक प्लेस का दिखाया गया यहाँ पर, मैं अभी घर में हूँ, तो प्लेस को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ऐड लगता है, ऑन नहीं आएगा। ऑन कहाँ पर लगता है, जहाँ पर आपका कोई सतह पर कोई चीज़ रखा हुआ है, सटा हुआ है या दीवार पर है, वहाँ पर आप लोग क्या लगाते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। और फ्रॉम तो आपका लगेगा नहीं यहाँ पर, यहाँ पर क्या मोशन यहाँ पर आना चाहिए था, मोशन, तभी यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगने वाला यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, और देखिए प्रपोजिशन जो होता है, प्रपोजिशन में कितना भी आपने स्टडी कर लिया है, लेकिन प्रपोजिशन में क्या करना होता है, इसमें प्रैक्टिस करना होता है, प्रपोजिशन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा एग्जाम में आप सही सही कर पाएंगे। तो आपके सामने में अगला जो क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, देयर इज अ लेटर यू, अब यहाँ पर देख लीजिए 4 है, 2 है, अबाउट है और ऑन है, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करेगा देख लीजिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 देते हैं तो बिल्कुल यहाँ बिट फैट रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए देयर इज अ लेटर फॉर यू, यहाँ पर 4 क्या दिखा रहा है, यहाँ पर यहाँ 4 दिखा रहा है, इसका रिलेशन दिखा रहा है, यानी लेटर किसके लिए है, तो आपके लिए है, लेटर और यू के बीच में क्या है, एक रिलेशन यहाँ दिख रहा है यहाँ पर, उसके लिए लेटर है, यहाँ एक पोजिशन दिखा रहा है 4 यहाँ पर, तो इसलिए 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2 यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 से क्या होता है, एक मोशन का यहाँ पर एक या इंडिकेट करता है या फिर डायरेक्शन को यहाँ पर इंडिकेट करता है 2, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं रहेगा। अबाउट भी नहीं आएगा और ऑन भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो सबसे बेस्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए है, जो कि दिया गया है इसमें 4, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, तो देख लीजिए आप क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देयर इज द फोटो माई फैमिली, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा यहाँ पर, देयर इज फोटो, एक बार ऐसा कर लीजिए, जब प्रपोजिशन आपको समझ नहीं आए ना तो एक बार सभी ऑप्शन को यहाँ पर रख रख के देख लीजिए, आपको लगभग लगभग पता चल जाएगा। अगर आप रीडिंग करते होंगे, रीडिंग जो होता है आप एग्जाम के लिए हर सेक्शन में, या तो कंप्रिहेंशन हो, प्रपोजिशन हो, या फिलर्स हो, कोई भी हो, उसमें आपको बहुत आपको हेल्प करने वाला है रीडिंग। रीडिंग आप ज़रूर दीजिए, कोई नॉवल हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, किसी भी चीज़ से, लेकिन आप रीडिंग करिए, आप रीडिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर दिस इज़ द फोटो इन माई फैमिली, इन माई फैमिली तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई एरिया के यहाँ बात नहीं है, कोई जगह की बात नहीं है, इन तब आएगा नहीं, एट आएगा नहीं यहाँ पर, एट क्यों नहीं यहाँ पर आएगा, दिस इज द फोटो एट माई फैमिली, यहाँ कोई प्लेस का यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर है। देखो यहाँ पर दिस इज द फोटो ऑफ माई फैमिली, अगर ऑप्शन सी पर जब मैं आता हूँ ऑफ माई फैमिली, तो ऑफ यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यानी कि ये फोटो किसका है, उसके फैमिली का है, उसके फैमिली का है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फोटो और फैमिली में क्या दिख रहा है, यहाँ पर फोटो और फैमिली में कोई रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है, यहाँ पर एक पोजिशन दिखा रहा है, ठीक है, उसका पार्ट दिख रहा है, फैमिली का पार्ट क्या हो गया, फोटो हो गया, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ऑफ का हमने यूज यहाँ पर करा है, तो ऑफ जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऑप्शन नंबर सी करे होंगे जो कि ऑफ आपका यहाँ पर है। अब अगला देख लीजिए क्या यहाँ पर है, सी लिव्स स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर देख लीजिए एट, ऑन, इन या फिर सिटी यहाँ पर है। अब सी लिव्स, अब जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिट बैठ रहा है यहाँ पर, उस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पर। अब देखिए सी लिव्स, देखिए आपने जब आपने क्या प्लेस दिखाया होगा आपने, तो प्लेस दिखाने के लिए आपने क्या करा है, ऐड का यूज करा है आपने। देखिए तो यहाँ पर ऐड तो आएगा नहीं, यहाँ पर इन आएगा। अब देखिए ऐड इन में क्या यहाँ फर्क होता है, देखिए ऑन तो आएगा नहीं, पहला गलत है यहाँ पर है, सीटी आएगा नहीं यहाँ पर, ये गलत है आपका। लेकिन यहाँ पर आप ऐड और इन में क्या नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ऐड और इन कभी कभी हम ऐड भी यूज करते हैं, कभी कभी हम इन भी यूज करते हैं। तो ऐड का कहाँ यूज करते हैं, जब छोटा मोटा जगह होता है, जैसे गांव होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका होता है, आप वहाँ पर आप क्या यूज करते हो, आप ऐड का यूज करते हो। लेकिन वही बात जब स्टेट होता है, कैपिटल होता है, बड़ा शहर होता है, तो आप लोग वहाँ क्या यूज करते हो, इन का यूज करते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, सी लिव्स इन स्विट्जरलैंड। लेकिन आप जब गांव में, किसी गांव में रहते हो, तो आई लिव्स एट विलेज करते हो, क्या करते हो, आई लिव एट विलेज करते हो, ही लिव्स एट विलेज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नेपाल में रह रहा है, तो ही लिव्स इन नेपाल, ऐसा आप लोग करते हो। इन कहाँ पर करते हो, कोई कंट्री हो, स्टेट हो, या बड़ा शहर हो, तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करोगे, आप लोग इन का यूज़ करोगे। छोटे मोटे जगहों के लिए आप लोग ऐड का ही यूज़ करना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन देख लीजिए और उसका मीनिंग भी निकालिएगा, और जो आपका यहाँ पर सही लग रहा है वो आप सब आंसर चूज कर। यहाँ पर आपके सामने में देखिए ऑप्शन जो है, पहला है बिसाइड है, एमोंग है, बाय है और बिसाइड्स है। अब देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है, सभी यहाँ प्रीपोजिशन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है आपको, लेकिन आपका जो प्रीपोजिशन बेस्ड यहाँ बैठेगा वही आपको लेना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ ब्लैंक है, फूड वी गॉट द पुअर सम मनी। देखिए फूड जो है, और जो कुछ फूड के बारे में कुछ है मुझे अभी पता नहीं है, उसने क्या किया, हम लोगों ने गरीब को क्या पैसे भी दिए। अब यहाँ पर देखिए बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में होता है, एमोंग मतलब बीच में होता है, बाय मतलब के द्वारा होता है। अब बिसाइड्स की जब मैं आता हूँ यहाँ पर, देखिए बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स मतलब क्या आता है, इन एडिशन टू आता है, क्या आता है, इन एडिशन टू आता है, यानी कि इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देते हैं बिसाइड्स का, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, बिसाइड्स का यूज़ कर देते हैं, बिसाइड फूड्स, इसका मतलब क्या, फूड के अलावा हमने क्या दिया है यहाँ पर, हमने उसको पैसे भी दिया है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, कि बिसाइड्स फूड। देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, देखिए बस इसमें एस ऐड हो गया है, इसका मतलब बगल में होता है, और यहाँ बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के बावजूद, के अलावा, यानी फूड के अलावा हमने क्या दिया, हमने पैसे भी दिए हैं उसको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर यहाँ पर है। अब आगे देख लीजिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, कि द किड्स रैन द क्लास रूम वेन इट स्टार्टेड टू रैन। अब यहाँ पर जो आपका भी क्वेश्चन फिल करेगा, देख लीजिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ने पहले भी गलती करा है और अभी भी गलती कर सकते हैं, तो अपना आंसर यहाँ पर बहुत ही केयरफुली दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, द किड्स रैन द क्लास रूम। अब देखिए यहाँ पर रैन विद तो आएगा नहीं, पहला काट दीजिए, रैन ओवर भी नहीं आएगा, ठीक है, ओवर यहाँ काट दीजिए। तो आपके सामने में दो ऑप्शन आ रहा है, एक इन आ रहा है, एक आ रहा है इनसाइड। अब देखिए दोनों में, अब तो कहीं ना कहीं देख रहे हो तो दोनों का मतलब भी कहीं ना कहीं, अगर हिंदी में नहीं की बात करूँ, दोनों का मतलब सेम होता है, एक अंदर की ओर मतलब अंदर में, ठीक है, या फिर अंदर में कोई एरिया के अंदर, कोई बिल्डिंग के अंदर, दोनों उसी सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ में दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा ये है इसमें है। देखो आप इन का यूज़ कब करते हो, तो मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग क्लासरूम तो एक बिल्डिंग ही है, चारों तरफ से घिराई हुआ है, तो उसी में इन तो हो जाएगा, लेकिन इनसाइड भी यहाँ हो जाएगा, इनसाइड द क्लासरूम मतलब क्या होता है, मतलब क्लासरूम में, इनसाइड भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन दोनों डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्या होता है, मोशन इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मोशन होता है, मतलब मोशन मतलब क्या, देखो यहाँ पर रैन यानी दौड़ के क्लासरूम जा रहा है यहाँ पर, तो आप लोग उस कंडीशन में इन का यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, जिसमें मोशन हो, जिसमें मोशन दिया रहे वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करते हैं, आप लोग इनसाइड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप लोग इन का यूज़ करेंगे।
क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए क्योंकि दौर के अंदर जा रहा है यहाँ पर ना, दौर के अंदर जा रहा है तो आप लोग इनसाइड का यूज़ करेंगे ना कि इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा, अगर आपने पता नहीं होगा तो। अब क्वेश्चन आपका सामने में ये है कि टुडे इज द 3rd अप्रैल। अब देखिए 3rd अप्रैल यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, ऑन, ऑफ या फिर एट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग गलती मत करिएगा कि आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे चीज आपको जो आपको यहाँ प्रीपोजिशन लेना है आपको यहाँ पर उसमें से प्रीपोजिशन यहाँ रखिए और इसको पढ़ के देख लीजिए कि आपका यहाँ पर कितना पढ़ने में फ्रेंडली लग रहा है नहीं लग रहा है। उसके बाद मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि इसका सही क्या है, उसको आप बिठा के पढ़ के देख लीजिएगा तभी आपको वो अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ टुडे इज द 3rd, टुडे इज द 3rd क्या जाएगा, ऑफ आ जाएगा या फिर इन आ जाएगा या फिर एट आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले ऑन अप्रैल आएगा नहीं, ठीक है, एट अप्रैल आएगा नहीं। देखिए आपने पढ़ा होगा, कभी कभी पढ़ा होगा आपने, ऑन क्या लगाते हैं, वीकडे होता है, और क्या होता है, इन कहाँ लगाते हैं, मैंने भी बताया है कि आप लगाते हैं इन मंथ के साथ इन लगाते हैं, वीकडे के साथ संडे मंडे के साथ हम लोग ऑन लगाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर इनका भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर यूज़ क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा ऑफ। अब ऑफ का यूज़ क्या होगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या कह रहा है, टुडे इज द 3rd ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल का पार्ट क्या है, अप्रैल का पार्ट है तीसरा, अप्रैल का ही भाग है ना, अप्रैल का ही भाग है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यहाँ पर यूज होगा, तो इसका भाग है तीसरा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, ही हैड अ फोटो ऑफ हिज फैमिली द डेस्क। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके फैमिली का मतलब क्या, एक फोटो है जो कहाँ पर है, डेस्क पर है। अब जैसे डेस्क क्या होता है, डेस्क ऐसे फ्लैट होता है ना, फ्लैट होता है, उस पर रखा है, उस पर रखा है, तो क्या यूज करेंगे आप लोग, देखिए अपॉन, ऑन, ऑफ या फिर फॉर। अब देखिए यहाँ पर ऑफ आएगा नहीं, कोई इससे बिलोंग नहीं करता है, इसका रिलेशन नहीं है फोटो के साथ, ऑफ आएगा नहीं, फॉर भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा ऑन और अपॉन बचा, ठीक है, ऑन और अपॉन बचा, तो दोनों में डिफरेंस क्या देख लीजिए आप यहाँ पर। देखिए ऑन का यूज़ कब करते हैं, जब मान लिया जाए एक सटा हुआ चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आपका अगर टेबल पर है सटा हुआ चीज़ है यहाँ पर, वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऑन का यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में आप लोग ऑन का यूज़ करते हैं। अपॉन ऐसा नहीं होता है, उसके ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर जो भाग रहेगा ना उसके ऊपर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आप इसका मोशन के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, जनरली मोशन के सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि क्रॉस कर रहा है, ऊपर है, तो आप लोग ओपन का वहाँ यूज़ करना आप लोग, लेकिन ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई दीवार सटा हो, कोई टेबल पर रखा गया हो, फ्लैट चीज़ों पर रखा गया हो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करोगे, आप लोग ऑन का यूज़ करेंगे। क्या पहाड़ पर हो सकता है, या फिर ज़मीन पर हो सकता है, टेबल पर हो सकता है, दीवार पर हो सकता है, तो उस कंडीशन आप लोग ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपॉन यहाँ पर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे है, वी मेट 50 ईयर्स अनटिल एगो ऑफ या फिर आफ्टर। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं यहाँ पर वी मेट 50 ईयर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर अनटिल का यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अप टू होता है, तब तक, जब तक, अनटिल तो यहाँ पर तो आएगा नहीं। एगो यहाँ पर जब यूज़ करते हो तो एगो फिट बैठ रहा है यहाँ पर, देखिए एगो मतलब क्या होता है, कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, एगो होता है, एगो आपका आंसर हो जाएगा, ऑफ आएगा नहीं और आफ्टर आएगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आपका है ऑफ है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है एगो, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि लास्ट क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए यहाँ पर, कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन करे हैं ताकि आप मुझे बता पाएँ, और लास्ट में मुझे बता दीजिएगा कि इसमें से कितना इतना क्वेश्चन आपने करा है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन ये है, देर आर टू पिक्चर्स द वॉल, यहाँ पर क्या जाएगा, एट, ऑन, ऑफ या फिर इन, तो सभी यहाँ पर आँख मूंद के क्या करेंगे, ऑन का ही यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है यहाँ पर। अभी मैंने क्या बताया था, दीवार पर, दीवार सटा हुआ है यहाँ पर है, देखिए पिक्चर कहाँ लगता है यहाँ पर, दीवार के साथ साथ लगा रहता है यहाँ पर, तो आप लोग वहाँ पर पिक्चर लगा देते हो, तो यहाँ पर ऑन यहाँ पर यूज़ करते हैं, एट आएगा नहीं, ऑफ आएगा नहीं और इन आएगा नहीं यहाँ पर, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने टोटल 10 क्वेश्चन करा है, 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और क्लास अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और शेयर एक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ साथ अगर आर्मी क्लर्क इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आपके लिए यहाँ पर एक इंग्लिश का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जिसका फ़ी जो है मात्र अभी 999 है। उसमें भी आप लोग यहाँ पर कूपन कोड ये यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पर इतना फ़ी कम हो जाएगा 100 रुपये का, यानी कि 899 हो जाएगा आप लोगों को ये फ़ी। इतना फ़ी पेमेंट करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इंग्लिश के लिए आपका कंप्लीट रहेगा ये आर्मी क्लर्क इंग्लिश का वीडियो कोर्स, जिसमें कि लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे। और भी कोई क्वेरी अगर है तो आपके सामने में ये तो नंबर दिया ही गया है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना लेने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।